नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रही हैं। आज हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले इंडिया गठबंधन के साथ एक साथ आए ज़रूर हैं, लेकिन ये एक मंच पर आएंगे नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीते दिनों हमने अखिलेश यादव के बयान सुने थे, जब मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ तो अखिलेश यादव ने कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मांगी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि ये प्रदेश का गठबंधन नहीं था, हमें पता नहीं था, हम तो कन्फ्यूज़ हो गए थे, हमें तो लगा था कि गठबंधन बना है तो हर स्तर पर बना होगा, लेकिन ये शायद प्रदेश स्तर पर गठबंधन बना ही नहीं है। इस बयान के बाद अखिलेश यादव लगातार जो है चर्चाओं में आ गए हैं कि अखिलेश यादव क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब तो उन्हें समझ आ गया कि ये प्रदेश स्तर का गठबंधन नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये ज़रूर कहा है कि अभी भी हम सोचेंगे, उनकी तरफ से कहा गया है, यानी कि अभी भी इंडिया गठबंधन में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कन्फर्म नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार अब किया है और कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया वो मेरा क्या करेगा। साथ ही कहा कि सपा के छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या करेगा। वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उनको अपने अंदर झांककर देखने की ज़रूरत है। कल अखिलेश यादव ने पूरे दिन मीडिया में बयान दिए थे और अब जो है अजय राय, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो अखिलेश यादव पर बोला गया है। ये दो पार्टियां जो एक साथ आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाली हैं, वो भी केंद्र का चुनाव, और ये एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन किस तरीके का बन रहा है। साथ ही आपको मैं बता दूँ कि उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने तो आगे बढ़कर घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समर्थन दिया, इसी का परिणाम था कि सपा ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। घोसी उपचुनाव में हमें पता है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने पूरा सपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी को दिया था और समाजवादी पार्टी ने जीत भी दर्ज की थी, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया था। तो अजय राय ने ये किस्सा दोहराया है दोबारा से। यहाँ पर ज़रूर उन्होंने ये बोला है कि हमने तो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, हमने तो उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। देखिए, राजनीति में कब किसके क्या बोल आ जाए ये समझा नहीं जा सकता, और राजनीति में कौन सी पार्टी कब कहाँ चले जाए ये भी कहा नहीं जाता है। तो यही राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश की हो रही है। जो कल तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, आज धीरे धीरे उनके बोल बदलने लगे हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इंडिया गठबंधन इस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के आगे। प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार कहा कि इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा ये अखिलेश यादव को तय करना है। हम लोगों ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव का सदैव सम्मान किया, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो हम जैसे छोटे कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या करेगा। तो ये बड़ी बात जो है अजय राय की तरफ से की गई है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा ये अखिलेश यादव को तय करना। अब अखिलेश यादव क्या तय करते हैं ये बड़ी बात है। आगे उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से यही कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े परिवार से जुड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आई हैं, मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के आप सुपुत्र हैं, आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, आप मुझे गाली दीजिए या फिर जो चाहे कह लीजिए, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप भाजपा को हराने में कांग्रेस का साथ दीजिए। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है अपना वो रख दिया है, उन्होंने ये तक कह दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, ऐसे में उनका ये कहना है कि आप कैंडिडेट वहाँ पर मत उतारिए। आप साफ तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन हाँ, इनका जो बयान देने का तरीका है वो ये बता रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इसे करिए और कांग्रेस का सपोर्ट करिए ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट जीते और बीजेपी का कैंडिडेट हारे। लेकिन अब अखिलेश यादव ऐसा करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ, उन्होंने यहाँ से इशारा ज़रूर दे दिया है और अखिलेश यादव पर तंज भी कस दिया है और उनके सपोर्ट के लिए वो सामने भी आ गए हैं। अब अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अखिलेश और अजय राय के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश ने कल कहा था कि हमें नहीं पता था, हम तो कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये प्रदेश स्तर पर गठबंधन है ही नहीं हमें, और आज अजय राय ने कहा है कि अखिलेश यादव को तो इतना समझदार होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो हमारा सपोर्ट करे और बीजेपी को हराने के लिए। आपको क्या लगता है, दोनों के राय में आपको कौन सही लगता है और क्या इंडिया गठबंधन चलेगा या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं।